जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का चौथा दिन। पूजा वगैरह पूरा कंप्लीट, पूजा का काम मेरा हो गया और किचन में आके मैंने चाय भी बनाई है। चाय बना के मैंने पी ली है, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तब तक मेरा ना गला खुलता नहीं है मुझे, क्योंकि पाठ हम धीमे धीमे पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं और बहुत ही शांत उसमें नहीं पढ़ते हैं, मन में नहीं पढ़ा जाता है पाठ, पर मतलब बोल के पढ़ा जाता है, तो थोड़ा गला सूखने लगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने इस बार व्रत नहीं रखा है, क्योंकि वो मावस वाले दिन और नवरात्रि के पहले दिन बाहर थे, तो इसलिए उन्होंने व्रत नहीं रखा था। कम 2 घंटे लग जाते हैं पूजा में, पूजा की तैयारी में और पूजा करने में। और फ्रेंड्स, एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि काफ़ी लोग बोलते हैं, जो पुराने लोग हैं, नई जनरेशन के तो नहीं, कि हमको व्रत वाले दिन लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं मानती हूँ कि लिपस्टिक में केमिकल वगैरह होते हैं, काफ़ी कुछ मिलावट रहती है, लेकिन जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, जैसे आए दिन कीर्तन होते हैं, तो कीर्तन में जाना अच्छा लगता है, माँ के नाम का जाप करना अच्छा लगता है, तो मैं भी चली जाती हूँ। तो यही है कि फिर ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। घर में रहती हूँ तो मैं नहीं लगाती। आपने देखा, जब मैंने पूजा करी थी मैंने नहीं लगा रखी थी लिपस्टिक, अभी लगाई है हल्की। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आज आपको दिखाती हूँ कि जब दोनों का व्रत नहीं होता तो मुझे कितना ज़्यादा काम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नवरात्रि है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, इन सब में हमें खुद को भी, अपना भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आ रही है करवा चौथ, तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है और अपनी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको कि आजकल क्या क्या काम हैं। और हाँ, आज कीर्तन भी है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जाऊँगी। सबसे पहले फैला देती हूँ कपड़े। फ्रेंड, गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि अभी भी छत पे कपड़े फैलाने का मन नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बननी है दाल, जिसे मैंने छौका लगा दिया था। अब बस इसको 1 मिनट सिम गैस पर मैं पकाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं कि मेरा इस बार अकेले का व्रत है, तो मैंने क्या किया है, ये स्टैंड को मैंने धोया है, उसके बाद में मैंने इसमें अपना खाने का सामान व्रत का अलग रखा है, यानी कि ये साबूदाना, ये मेरा कद्दूकस, घी, नमक, कूटू का आटा, ये चिल्ली कटर और ये कपड़ा, जिसमें हम व्रत का खाना बनाते समय हाथ पोछते हैं या फिर बर्तन पोछते हैं, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे अपना अलग एडजस्ट करके रख लिया। और हाँ, मैं हींग भी खाती हूँ, काफ़ी लोग हींग नहीं खाते हैं। जब मैं रायता बनाती हूँ रात को तो हींग जरूर ले लेती हूँ, क्योंकि दही फिर मुझे नुकसान देगा। तो ये सब चीज़ें भी हमें अलग करके रखनी पड़ती हैं। बाकी मेरा सारा सामान, जब हम दोनों ही व्रत रखते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, एक ही खाना बनता था, अब मुझे अपने लिए अलग रखना पड़ा है पूरा। और ना फ्रेंड्स, नवरात्रे चल रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे दरअसल गेहूँ धोने थे, उससे पहले हो रही थी बारिश, तो इस बार मैंने मंगा लिया है आशीर्वाद का कट्टा, क्योंकि इनको तो खाना खा ही रहे हैं। और जब दाल बन जाएगी और फुलके सेक के, फिर मैं अपने लिए खाने का कुछ बनाऊंगी। और पूरी गैस वगैरह में एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद फिर से गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं ना गैस पे करती हूँ कंडी गरम, तो जब हम कंडी गरम करते हैं तो ये फिर से गंदा हो जाता है, तो ये भी। और दूसरा आज क्या हुआ कि मैंने गैस पे दूध उबलने के लिए रख दिया था और गैस थोड़ी सी तेज़ थी, मैं भूल गई थी कि गैस तेज़ रह गई, तो मैं पूजा की तैयारी करती हूँ तो मेरा दूध गर्म हो जाता है, तो आज ना दूध भी उबल गया था, तो ये फिर से मुझे गैस वगैरह, अब मैं रोटी सेक के गैस को साफ करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने खाने का बनाऊंगी कुछ। और देखिए फ्रेंड, जब हम दोनों व्रत रखते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मखाने, मूंगफली के दाने सारे एक साथ रोस्ट करके रख लेती हूँ। हाँ, उसमें नमक नहीं मिलाती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं करे। और ये रहे चौलाई के लड्डू, क्योंकि इनको ना चौलाई के लड्डू बहुत पसंद है, तो इनको बार बार खाने होते हैं, तो इनके लिए मैंने अलग रख दिए हैं। और ये है मेरा व्रत वाला, तो इसलिए मैंने इस बार मैंने फ्राई करके नहीं रखे हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तभी मैं फ्राई कर लिया करूँगी, क्योंकि इनके लिए तो मैं टिफिन में भी करके देती थी दिन।
मैं बना रही हूँ और अपने खाने के लिए आलू, ये बना रही हूँ मैं सूखे आलू मूंगफली वाले, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आलू को हमें फुल बॉयल नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा कच्चा छोड़ देते हैं, जिसे हम चाकू से काट के स्क्वायर शेप में काट के तब हम इन्हें फ्राई करते हैं। आलूओं को दूसरी गैस पर रख दिया है और मैं सेक रही हूँ इनके लिए रोटी। फ्रेंड्स, ये आलू और मूंगफली के दाने की रेसिपी का शॉर्ट वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर हाँ, आज मैंने ढककर रख दिए थे तो थोड़ा सा क्रंचीपन कम हो गया है। तो इसे तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं, दही और चटनी के साथ आप इसे इंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप अब मुझे जाना है कीर्तन में, तो फटाफट से कर रही हूँ अपने सूट पर प्रेस। कीर्तन में जाने के लिए हो गई हूँ तैयार और सबसे पहले जोत को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे के लिए ही घर में ताला लगाऊंगी। घर से बाहर जाने से पहले एक बार अपनी अखंड जोत को ज़रूर ठीक करके जाएं, घी कम हो तो घी को भी बढ़ा कर ही जाएं। और वैसे मैं ताला नहीं लगाती थी, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी हो गई है ताला लगाने की। वैसे तो फ्रेंड जाना नहीं चाहिए, कहते हैं जब आप अखंड जोत जलाते हैं तो नहीं जाना चाहिए ताला लगा के, पर क्या करें, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हाँ, ये सब चीज़ें भी हमें निभानी पड़ती हैं। तो जब किसी के यहाँ कीर्तन है, और सबसे बड़ी बात है जब हम कीर्तन में जाते हैं ना, तो हमारा टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है, और जितनी देर हम कीर्तन में रहते हैं ना, उतनी देर हम भगवान का नाम लेते हैं, नहीं, माता रानी का जाप चलता रहता है, भजन हो जाते हैं। घर में तो हम सिर्फ घर के काम ही काम करते रहते हैं, तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा चली जाती हूँ, चाहे आधे घंटे के लिए जाऊँ, लेकिन मैं चली जरूर जाती हूँ। कीर्तन से आने के बाद में मैंने चाय बना के पी थी, उसके बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जो फूल सुबह चढ़ाए हुए थे वो सारे फूल बासे हो जाते हैं, उनको हटा देती हूँ। जो माला मैंने माता रानी को पहना रखी वो भी हटा देती हूँ। उसके बाद में मैं शाम का जो दिया जलाती हूँ वो भी मैं अखंड जोत से ही जलाती हूँ। दो दिए जलाए हैं मैंने आज, एक तुलसी का जलाती हूँ, पर आज तुलसी का नहीं जलाया क्योंकि रविवार है, और एक दिया देसी घी का, एक तेल का, सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दिया मैं अपनी मेन चौखट पर रखती हूँ, यानी कि मेन गेट पर जाकर रखती हूँ। फ्रेंड्स, पूरी पूजा करने के बाद में मैं पहुंच जाती हूं किचन में, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।